क्लास 11th चैप्टर नंबर 12 इंग्लिश मीडियम में सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर चल रहा है आपका। इस चैप्टर में हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ रहे हैं। इसमें सीरीज तो बात करी, फिलहाल चल रही सीक्वेंस। तो इसमें फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म इन फॉलोइंग सीक्वेंस, फर्स्ट 5 टर्म निकाल दिए हमें इन सीक्वेंस की। तो उसमें हम क्या करेंगे, ये हमें फंक्शन की वैल्यू दे रखी किस तरीके से आपका फंक्शन होना चाहिए। a1 इज इक्वल टू 1, यानी कि फर्स्ट टर्म 1 दे रखी। an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस 2, ये हमें nth टर्म दे रखी इसकी। इस nth टर्म में n की वैल्यू हम 2 से बड़ी रखते हैं। तो इसमें क्या करें, हम a1 को हमें पता लगे कितना 1, putting n is equal to 2, n की जगह 2 रखें, क्योंकि यहाँ लिखा है n is equal to 2 or greater than 2। एक को 2 रखें या 2 से बड़ी रखें, यानी कि greater than 2 रखी और equal to 2 रखी। तो equal to 2 रखा मैंने, या n की जगह 2 रखा, या n की जगह 2 रखा प्लस 2, तो यह आ रहा a1 प्लस 2। a1 की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, putting n is equal to 3, कैसी एन की जगह हम 3 रख देंगे, यहाँ पे एन की जगह 3 रखेंगे, यहाँ एन की जगह 3 रखेंगे, तो 3 माइनस 1 a2, ए टू वैल्यू हुई और निकाल दी 3, वो यहाँ रख देंगे तो a3 आ जाएगा 5। ऐसे ही एन की जगह 4 रखेंगे, जहाँ इसमें एन है तो यहाँ रखेंगे 4, यहाँ रखेंगे 4, तो 4 4 माइनस 1 प्लस 2, 4 माइनस 1 का मतलब होगा a3 a3 प्लस 2, ए थ्री की वैल्यू हुई और निकाल लिया आपने 5 5 प्लस 2, ए फोर आ गया आपका 7। ऐसे ही एन की जगह 5 रखते हैं और इसमें यहाँ 5 माइनस 1 a4 आ जाएगा, a4 की वैल्यू 7 रखते हैं, 7 प्लस 2 होगी 9। तो हमें निकालनी है इसकी फर्स्ट 5 टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। फर्स्ट टर्म है हमारी 1 और सेकंड टर्म है हमारी 3 और थर्ड टर्म आई हमारी 5 और फोर्थ टर्म आई हमारी 7 और 5 टर्म आई हमारी 9। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को पूरा करना है, यानी कि सीक्वेंस में बस एन की वैल्यू रखनी है। सीक्वेंस उसने बना के दे रखी, एन की वैल्यू 1 2 3 4 रखते रहिए, सक्सेसिवली आपको अगेन टर्म मिलती रहे। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन यह है, फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। एक सीक्वेंस दे रखी है वाली, इस वाले सीक्वेंस की हमें सिक्स्थ टर्म निकालनी है। तो इसमें यहाँ देखना चाहिए हमें एन की वैल्यू क्या रखनी है। यहाँ लिखा एन ग्रेटर देन 2, एन 2 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि t1 की t2 की वैल्यू तो निकाल रखी, तो 2 से बड़ी ग्रेटर देन 2 वैल्यू कौन सी होगी, 3। तो हम n की वैल्यू 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ देखना चाहिए हमें कितना है। तो ये ग्रेटर देन 2 है, तो n की जगह रखेंगे ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ी यानी कि 3। तो n की जगह हमने 3 रखा, यहाँ पे 3 रखा, यहाँ पे 3 रखा, ये आ गया t2 अपॉन t1, t2 की वैल्यू 2 है, t1 की वैल्यू 1, कैलकुलेट करके आ गया हमारा 2। ऐसे ही हम n की वैल्यू रखेंगे, अब 4 रखेंगे, तो इसी फार्मूले में n की जगह 4 रखा, t4 या 4 माइनस 1, t4 माइनस 2, t3 अपॉन t2, t3 की वैल्यू 2 है, t2 की वैल्यू हमारी 2 है, 2/2 होगी 1। putting n is equal to 5, n की जगह 5 रखेंगे, n की जगह 5 रखा हमने, 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, ये कहाँ से रख रहे, यहाँ से n की जगह रखना, बस 3 जगह है, यहाँ पे तीनों जगह रखा। t4 अपॉन t3, t4 की वैल्यू भी ऊपर निकाली 1, t3 की वैल्यू भी ऊपर निकाली 1/2 आ गया। फिर putting n is equal to 6, n की जगह रखेंगे हम 6, तो n की जगह 6 रखा हमने, t6 माइनस 1, t6 माइनस 2, ये आ गया t5, ये आ गया t4, t5 की वैल्यू ऊपर निकाली हमने 1/2, t4 की वैल्यू 1, तो कैलकुलेट कर गया 1/2, तो 6 टर्म निकाली थी, 6 टर्म यानी कि छठा पद, 6 टर्म आ गई हमारी कितनी 1/2। तो इस तरीके से आपको इसका फोर्थ का सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसी करना, फिफ्थ का सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसी करना, और 12.1 की एक्सरसाइज की जो फोटो है वो मैंने आपको भेजी, नई बुक्स है, आपका ये चैप्टर बिल्कुल शुरू से स्टार्ट हुआ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे की वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।